हाय गाइस, मैं हूं जूनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल जस्ट एक्सप्लेन। और आज हम लोग जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है लिंक लिक एनिमे का पार्ट नंबर 4। एंड आई होप कि आप लोग इसको देखें, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं लिंक लिक एनिमे को देख रहा हूं, बट कोई बात नहीं, मैं आपके रिस्पांस को समझ गया कि आपको किस तरह के एनिमे को देखना है। एंड उसके लिए मैंने अभी एक नया एनिमे हाल ही में सोचा है कि डालने के लिए, तो जस्ट एक फिनिश हो जाए एंड हम उस पर फिर चलेंगे। बट आई विल स्ट्रिक्टली से कि आप इस एनिमे को जरूर देखें, क्योंकि एनिमे सच में बहुत अच्छा है। अगर थ्रिलर आपको पसंद नहीं है तो भी आप एक नज़र डाल सकते हो उस पर, आपको एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम वैसे भी लगने वाला। सो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शशांक के किडनैप होने के बाद उन लोगों का फ़ोन एक अननोन आदमी रिसीव करता है, जिसके बाद की लुगवांग पुलिस स्टेशन जाता है और वो कावलिंग को कहता है कि वो शेंग का फोन छीन ले ताकि वो किसी तरह का न्यूज ना पढ़ पाए ऑनलाइन से, यानी कि किसी तरह का अफवाह, क्योंकि शेंग काफी इमोशनल इंसान है और उसे लगेगा कि उसकी वजह से हुआ है। जिसके बाद कि वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है और दूसरी ओर कावलिंग शेंग से उसका फोन छीन लेती है और वो यानी कि शेंग अपने रूम में चला जाता है। और दूसरी ओर लुगवा पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है और वो उस ऑफिसर को कहता है कि उसके फ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे लगता है कि इसके पीछे वही सीरियल किलर है और इसीलिए वो वही फोटो मांगता है। और ऑफिसर उसे वो फोटो दे देता है। इसके बाद कि लुगवांग उस फोटो की हेल्प से उस सीरियल किलर की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और तभी अचानक से लुगवांग को अपने उस विजन में उस जगह पर शेंग भी दिखाई देता है। और इस बात से लुगवांग समझ जाता है कि शेंग उसे बिना पूछे फोटो में एंटर कर गया है। और हमें तब बताया जाता है कि शेंग बिना लुगवांग के भी फोटो में एंटर कर सकता है, पर उसके बाद वो लुगवांग से कांटेक्ट नहीं कर सकता है और इसीलिए उसे ये भी नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। लुगवांग ऑफिसर को ये पूछता है कि आखिरकार उन्होंने ये फोटो उसके अलावा और किस किस को दिया है, जिस पर कि वो ऑफिसर कहता है कि उन्होंने हाल ही में उस किलर की वो फोटो ऑनलाइन डाली है ताकि वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और मे बी सोशल मीडिया के थ्रू ये इमेज शेंग तक पहुँच गया और वो उसमें एंटर कर गया। इसके बाद कि लुगवांग उस फोटो से काम की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है ताकि वो उस सीरियल किलर को पकड़ सके और उसे वहां पर उस किलर का कार दिखता है और वो ऑफिसर को उस कार के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और वो उसे कहता है कि ये वही सीरियल किलर का कार है जिसकी ये फोटो है और वो जल्दी से वापस घर के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी ओर हम लोग शेंग को देखते हैं और वो उस फोटो के अंदर यानी कि पास्ट के उस सीन पर होता है और वो किलर के वापस आने का इंतजार करता है पार्किंग एरिया में। और जब वो किलर वापस आता है तब उस टाइम शेंग उसके गाड़ी की डिक्की में घुस जाता है और खुद को छुपा लेता है, जिसके बाद कि शेंग को उस किलर की बातें सुनाई दे रही होती हैं। और वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ कोई एक लड़की होती है और उसकी आवाज़ भी आ रही होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एमा ही होती है और वो किलर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने कि उसे लिफ्ट देने वाली बात कही होती है फर्स्ट एपिसोड में। और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो एक दूसरे को जानते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग उस ऑफिसर और उसे कलीग को देखते हैं और वो उस कार नंबर के मुताबिक एक घर पर जाकर पहुंचते हैं और वहां पर वो एक आदमी को ढूंढते हैं। और एक्चुअल में जिस आदमी को लोग ढूंढ रहे होते हैं वो काफ़ी अमीर होता है और उसका नाम होता है ल्यूमिन, पर उसके डैड कहते हैं कि वो उससे नहीं मिल सकते और वो कहता है कि पहले से वो काफ़ी तकलीफ से गुजर रहा है और अगर उन्हें उस स्टूपिड फोटो के बारे में बात करनी है तो उनके पास टाइम नहीं है उसके लिए। और वो उन्हें वहाँ से भगाने लगता है कि तभी ल्यूमिन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें तब पता चलता है कि ल्यूमिन एक्चुअल में पैरालाइज्ड हो चुका है, तो अब आखिरकार वो कैसे किसी को मार सकता है। सीन चेंज होता है और हम लोग शेंग को देखते हैं और वो डिक्की में होता है और वो चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि गाड़ी में बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि एमा ही है और उस गाड़ी में बैठा दूसरा आदमी ल्यूमिन होता है और वो एमा से काफ़ी बुरी तरीके से बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि वो उसे जल्दी से बताए कि उसका पैसा कहाँ पर है। एमा कहती है कि उसे नहीं पता कि वो किस पैसे के बारे में बात कर रहा है, जिसके बाद कि वो एमा का गला दबाने लगता है और वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है कि तभी शेंग को समझ में आने लगता है कि आखिरकार क्यों लुगवा ने ऑफिसर को उस केस के लिए मना किया था। और उसे लगता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने पास्ट में गलती कर दी थी उसकी मॉम को रिप्लाई देकर, और उसे लगने लग जाता है कि जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं वो उसी की वजह से हुई है, जैसे कि शशांक का गायब होना, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि शेंग की वजह से उसकी खबर न्यूज़ में छपी।
और वो खुद को कोसने लगता है कि तभी ल्यूमिन को शैंग की आवाज सुनाई देती है डिक्की से, और उसे लगता है कि शायद कोई डिक्की में है, और वो उसे खोलने ही वाला होता है कि शैंग खुद को वापस प्रेजेंट में ले आता है। और लुगवांग उसे खूब डांटता है और उसे कहता है कि तुम्हें अकेले नहीं करना चाहिए था, और मैंने तुम्हें अकेले करने के लिए मना भी किया था। तुम्हें पता है कि इससे कितने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और तुम्हारी एक गलती की वजह से क्या क्या हो सकता है। और काओलिन शैंग को सडनली देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो सडनली वो हवा से प्रकट हो गए, और शैंग लुगवांग को कहता है कि मुझे पता है कि मेरे गलती से क्या क्या बदल सकता है, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। और वो काओलिन को कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है कि वो लियांग के बेटे को बचा नहीं पाई, क्योंकि एक्चुअल में पास्ट में शैंग उसके आगे सडनली आ गया और इसीलिए उसका ध्यान भटक गया था। और वो काओलिन को समझाता है कि आखिरकार वो लोग कैसे पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करते हैं। और जब लुगवांग पुलिस को फोन करके पूछता है कि क्या उन्होंने उसे अरेस्ट किया, यानी कि ल्यूमिन को, तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अभी अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला है कि जिस वक्त एमा को मारा गया था उस टाइम पर ल्यूमिन वहां पर था ही नहीं, वो हॉस्पिटल में था। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसके मुताबिक एमा को उसके डेथ के कुछ टाइम पहले एक ब्रिज पर अकेले चलते हुए देखा गया है। तो फिर आखिरकार एमा को मारा किसने? वीडियो को रोकने के लिए माफ करना, बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, बाकी की बातें बाद में, एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। सीन वहीं से स्टार्ट होता है और वो ऑफिसर उसे कहता है कि उन्हें जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके मुताबिक एमा को उसके डेथ के कुछ टाइम पहले एक ब्रिज पर अकेले चलते हुए देखा गया है। और वो लुगवांग को कहता है कि वो उसे उसके दोस्त यानी शशांक का डिटेल्स भेज दे ताकि वो लोग उसे ढूंढ सके, जिसके बाद ही काओलिन को डोंगी का फोन आता है, पर लुगवांग उसे कुछ भी बताने के लिए मना करता है। और दूसरी ओर वो लोग उसका फोन ट्राई करते हैं यानी कि शशांक का, और वो स्विच ऑफ आ रहा होता है, जिसके बाद ही काओलिन कहती है कि क्या हम लोग अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते, जिस पर कि शैंग काओलिन को पूछता है कि क्या उन्होंने कल कोई फोटो क्लिक की थी जब शशांक और वो मिले थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ 12 घंटे के लिए ही पास्ट में जा सकते हैं। और जिस पर कि लुगवांग को एक फोटो मिल जाती है शशांक की, जो कि उसने उसके फोटो स्टूडियो के सामने खींची थी, जिसके बाद कि शैंग लुगवांग को चेक करने के लिए कहता है कि देखो आखिरकार क्या हुआ। लुगवांग अपनी पावर यूज करता है और वो देखता है कि कल रात ठीक उसके मैसेज भेजने के बाद जब शशांक अपने बेड पर थी तब उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो जाकर बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता है, और उसे अपने बाथरूम में किसी एक आदमी का साया दिखाई देता है। और जब वो उस रूम के लाइट्स को ऑन करती है तो सडनली एक मास्क पहना हुआ आदमी उस पर नाइफ से अटैक करता है, और लुगवांग इसके आगे नहीं देख पाता, इसलिए शशांक जिंदा है या मर गई वो कह नहीं सकता। और ये बात वो दोनों को बताता है, यानी कि शैंग और काओलिन को, कि पास्ट में जाने में बहुत खतरा है, और वो उन्हें कहता है कि उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि वो पास्ट में जाकर उस एक्सपीरियंस को फिर से जी सकते हैं, पर वो लोग पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर पास्ट में उस किलर ने शशांक को मार दिया है तो वो उसे सेव नहीं कर सकते। और जिसके बाद कि शैंग कहता है कि ठीक है, वो हर किसी तरह की सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी है, और वो पास्ट में जाने से पहले एक रूम में बहुत सारे फोटोज को चिपका देता है, जिनमें से कई सारे फोटोज एमा और उसकी फैमिली के होते हैं। और जिसके बाद कि शैंग पास्ट में जाता है उस टाइम पर जब शशांक उनके स्टूडियो में आई थी, और वहां से वापस लौटते टाइम शैंग को कई सारे बातें मालूम पड़ती है काओलिन से, जैसे कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, और शैंग के मॉम डैड के जाने के बाद आखिरकार शैंग को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और तभी शैंग को भी मालूम पड़ता है कि आखिरकार लुगवांग और शैंग कैसे दोस्त बने, और क्योंकि काओलिन के अलावा शैंग का कोई भी दोस्त नहीं था, और लुगवांग ही ऐसा बंदा था जो कि उसका दोस्त बना, जिस पर कि लुगवांग उसे यानी कि काओलिन को कहता है कि वो शैंग को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो नादान है, वो कुछ भी दिखावे के लिए नहीं करता है। और ये सब जानने के बाद शैंग को काफी अच्छा लगता है। और दूसरी ओर हम लोग ल्यूमिन को देखते हैं, और वो इंटरनेट पर सोशल मीडिया के पेज को स्क्रॉल कर रहा होता है, और वो काफी गुस्से में होता है कि लोग उसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और तभी सडनली उसके सामने शशांक का वही वाला आर्टिकल आ जाता है, उस आर्टिकल को पढ़ता है, और वो शशांक को देखकर कहता है कि इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हें फेमस होना है ना, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। और वो ये बात अपने एक दोस्त को कहता है। अब कन्फ्यूजन ये है कि आखिरकार ऐसा तो नहीं है कि मर्डर के पीछे ल्यूमिन नहीं है, पर वो किसी को ये सब करने के लिए कह रहा है, और ये खुलासा होगा नेक्स्ट और इस सीजन के लास्ट एपिसोड में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अगेन
थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.